The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. दोस्तों जून 2019 बिहार मुजफ्फरपुर में बहुत सारे बच्चे चमकी बुखार के चपेट में आ रहे हैं और 100-150 के आसपास लोग बच्चे मर चुके हैं। दोस्तों इस बुखार के बारे में आपने बहुत सुना होगा लेकिन क्या सही जानकारी आपको अब तक मिली है? लोग इसे एन्सेफेलाइटिस बता रहे हैं लेकिन ये एक सिंपल एन्सेफेलाइटिस नहीं है। ये आज पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हो चुका है और इसीलिए इसके बारे में सही जानकारी आप तो मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्चुअली में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो कारण हो रहा है, वो जानकारी के बगैर सही तरीके से आगे ना बढ़ने के वजह से, देरी के वजह से दिक्कत हो रही है। इसके पहले भी बहुत सारे बार इसके आउटब्रेक हो चुके हैं। 2005 में जापानीज एन्सेफेलाइटिस गोरखपुर और बस्ती डिवीज़न में जब हुआ था तो उत्तर प्रदेश के उस इलाकों के हो जाने के बाद से ही हमारे नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम ने इस बीमारी को एक नोटिफाइबल बीमारी बता दी गई थी कि जब भी किसी को होगी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा और इसके लिए गाइडलाइंस बनाई गई थी। वो गाइडलाइंस और उसके बाद 2012 में भी जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है उन्होंने सेकेंडरी गाइडलाइंस अपने तरफ से तैयार की थी। ये दोनों गाइडलाइंस को मैं आपको लिंक्स नीचे दे दूंगा, डॉक्टर्स इसको पढ़ सकते हैं और लोकल डॉक्टर्स जो इस चीज़ को ट्रीट करने में सक्षम नहीं है वो भी इलाज शुरू कर सकते हैं इसका, ताकि बच्चों को सही वक्त पे सही इलाज मिल सके। इसके अलावा जो मैनेजमेंट होता है ये आपको समझना है कि मैनेजमेंट इसका ज़्यादातर सिम्टोमैटिक होता है स्टार्टिंग फेज में, लेकिन हमें मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी दोनों कम करनी है कि बच्चों की जान और उनकी डिसेबिलिटी कम हो। इसीलिए बहुत ज़रूरी है वार्निंग साइंस यानी कि बच्चों के दिमाग पे कब असर होना शुरू हुआ है उसको पहचानना और उसके लिए तुरंत से तुरंत इलाज करना, राइट? ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि नॉलेज नहीं है हेल्थ फैसिलिटीज़ में, पेशेंट्स में, माँ बाप में, बच्चों के आसपास लोगों में इस बीमारी के बारे में, इसीलिए दिक्कत ज़्यादा हो रही है। हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर की कमज़ोरी, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन साथ में हो जाने के वजह से बीमारी 2 गुना 4 गुना रूप ले लेती है, दिक्कत बहुत जल्दी बढ़ जाती है और बच्चों को बचाना मुश्किल हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया और शुगर, पानी की कमी जैसी प्रॉब्लम जो कहीं पर भी एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी पूरी की जा सकती है, उसको कम से कम पहले जल्द से जल्द आगे बढ़ाना, जल्द से जल्द आपको ले लेना चाहिए, इंस्टेड कि आप डायरेक्ट बड़े बड़े हॉस्पिटलों की तरफ दौड़ें और घंटों बर्बाद करें ट्रैवलिंग में, राइट? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटमेंट शुरू हो जाना चाहिए आपके लोकल हेल्थ फैसिलिटी में और इसीलिए आपको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर्स को एजुकेशन ज़रूरी है, लोकल डॉक्टर्स को, ताकि उन सब का भी इसमें योगदान बना रहे। आपको ये समझना होगा इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट से पहले आपको ये भी सोचना ज़रूरी है कि और क्या क्या हो सकता है, जैसे सेरिब्रल मलेरिया हो सकता है, चोट तो नहीं लगी है, मेनिंजाइटिस तो नहीं हुआ है, इन सब के अलग ट्रीटमेंट होते हैं, इसलिए इसको भी समझना है, इसलिए इसको भी रूल आउट करना ज़रूरी होता है जब भी कोई बच्चा ऐसे सिचुएशंस में हमारे पास आता है। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा बुखार बढ़ जाने के बाद या दिमाग पे असर हो जाने के बाद हमारे पास पहुँचते हैं और ज़्यादातर केस में यही हो रहा है, डिले हो रहा है बच्चों का वहां तक पहुंचने में, प्लस बच्चे ऊपर से डिहाइड्रेटेड होते हैं, शुगर्स बहुत ज्यादा कम होती है, ऐसे केस में बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले जो रिकमेंडेशन दी गई है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की वो ये है कि आप रैपिड असेसमेंट और स्टेबलाइजेशन सबसे पहले करें, बाकी सब बाद में। रैपिड असेसमेंट और स्टेबलाइजेशन में सबसे पहले देखना ये होता है कि बच्चा सही से सांस ले रहा है या नहीं, सांस अगर वो नहीं ले रहा है, या GCS जो ग्लासगो कोमा स्केल में बच्चों का असेसमेंट किया जाता है, बच्चे का GCS अगर 8 से कम है, मतलब कि वो सही तरीके से सांस नहीं ले पा रहा, सही तरीके से नहीं कर पा रहा है काम, इम्पेयर्ड एयरवे रिफ्लेक्स है, एबनॉर्मल रेस्पिरेशन, सांस लेने का पैटर्न सही नहीं है, कोई भी साइन है दिमाग के अंदर प्रेशर बढ़ने का, ऑक्सीजन का उसके सैचुरेशन 92 से कम है या ऑक्सीजन फ्लो कम है, फ्लूइड रिफ्रैक्टरी शॉक है, तो फिर आपको तुरंत से तुरंत पेशेंट को वेंटिलेशन, ऑक्सीजनेशन, ये दोनों देने पड़ेंगे। वेंटिलेटर सपोर्ट और ऑक्सीजेशन देना है क्योंकि ये बीमारी बहुत जल्दी प्रोग्रेस करती है, इसीलिए पहला इसके लिए स्टेबलाइजेशन ज़रूरी है।
पहला एयरवे, उसके बाद सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन के लिए आईवी एक्सेस, आईवी लाइन आप लगा के सैंपल्स लेंगे, ब्लड सैंपल्स, जिसमें बहुत सारी बीमारियों के लिए सीबीसी, ब्लड शुगर, किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड गैस एनालिसिस, एबीसी, लैक्टेट, पेरिफेरल स्मियर, आरडीटी फॉर मलेरिया पैरोसाइट, सीरोलॉजी फॉर वायरसेस, ये सब का आप करेंगे। वायरसेस जो जो उस एरिया में कॉमन है उसके लिए सीरोलॉजी का टेस्ट किया जाता है, और फ्लूइड शुरू किया जाता है इन केस हमें लग रहा है सर्कुलेटरी फेलियर है, ब्लड प्रेशर कम है, और ब्लड प्रेशर कम है तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले आइनोट्रॉप्स भी दिए जाते हैं। नॉर्मली 20 ml पर kg के हिसाब से आपको दिया जाता है डोसेज NS का, नॉर्मल सलाइन। आइडेंटिफाई करने के लिए आपको साइंस देखने होंगे कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर या सेरिब्रल हर्निएशन का कोई साइन तो नहीं है। टेम्परेचर को आपको मैनेज करना पड़ेगा, बुखार ज़्यादा बढ़ जाए या टेम्परेचर ज़्यादा कम हो जाए, इन दोनों सिचुएशंस को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। उस सिचुएशन में टेम्परेचर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। दौरा अगर पड़ रहा है, सीजर आ रहा है, तो सीजर कंट्रोल करने के लिए जो दवाएं होती हैं, जो बेंजोडाइजेपीन, सिनोटाइन, जो मेडिकल दवाई होती है, वो दे के बच्चों को सीजर कंट्रोल करना ज़रूरी है। ये हुआ स्टेबलाइजेशन, ये पहला स्टेप है, बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई हिस्ट्री लिए डायरेक्ट असेसमेंट। उसके बाद शुरू होता है हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, फिर आप पूछते हैं बच्चे को बुखार कब से है, चोट तो लगी नहीं लगी, कहाँ रहता है, क्या वो एरिया एंडेमिक है, क्या उस एरिया में और बच्चों को हो रहा है, तो वो बहुत सारे सवालों की लिस्ट भी हम आपको अभी देंगे। वो सवाल हिस्ट्री के हिसाब से आपको पूछने पड़ते हैं डॉक्टर को, पेशेंट से। एग्जामिनेशन करना होता है जिसमें साइंस देखा जाता है, न्यूरोलॉजिकल बीमारी, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और हर एक सिस्टम का असेसमेंट का, किडनी के लिए, लिवर के लिए, पैनक्रियाज के, स्प्लीन के लिए कि मलेरिया तो नहीं है, दूसरी बीमारी तो नहीं है, उन सब का असेसमेंट सेकेंड स्टेज में आप करते हैं। थर्ड स्टेज होता है आपके टेस्ट का। टेस्ट के लिए मैंने ऑलरेडी बताया, आप सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी पीठ से एक सैंपल निकाल के टेस्ट भेजेंगे, ब्लड सैंपल भेजेंगे, सीरम और यूरिन सैंपल टेस्ट होगा, ब्लड में ही सीरम होता है, और MRI स्कैन किया जाता है ब्रेन का। MRI स्कैन, अगर MRI नहीं है तो CT स्कैन करेंगे, लेकिन उस केस में आप बेहोशी या बेहोश नहीं करेंगे बच्चे को, सिडेशन अवॉइड करेंगे, बेहोश करना या सिडेशन अवॉइड करना चाहिए ऐसे केसेस में MRI स्कैन के लिए। गले का थ्रोट स्वैब या नेजोफेरिंजियल स्वैब भी भेजा जाता है, और शुरू की जाती है एम्पिरिकल ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। अगर CSF सैंपल नहीं लिया जा पा रहा, या रिपोर्ट आने का टाइम लग रहा है या टाइम लेगा, और बच्चा या पेशेंट बहुत सिक है, तो एम्पिरिकल ट्रीटमेंट शुरू करना। एम्पिरिकल मतलब अभी हमें नहीं पता वो बैक्टीरिया है, वायरस है, मलेरिया है, लेकिन हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं ताकि जान ना चली जाए। तो एम्पिरिकल ट्रीटमेंट जब कन्फर्म हो जाएगा तो उसके बाद उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। हम वायरसेस, बैक्टीरिया और पैरासाइट तीनों के लिए दवाई दी जाती है। वायरसेस और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लिए सेफ्ट्रैक्जोन जैसा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिया जाता है, वो डॉक्टर खुद चुनते हैं उस सिचुएशन में कौन सा बेस्ट है। एंटीवायरल मेडिकेशन एसाइक्लोवेयर जैसी दवाई शुरू की जाती है सस्पेक्टेड अगर वो एक तरीके का वायरल इंसेफ्लाइटिस लग रहा है, और मलेरिया के लिए आर्टिसुनेट शुरू की जाती है। अगर हमें उसका रिपोर्ट्स नेगेटिव आएंगे तो फिर ये दवाई बंद की जा सकती है, लेकिन शुरू तीनों करा पड़ता है अगर बच्चा ज्यादा बुखार, ज्यादा बीमार है तो। इसी के साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट चलता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में बहुत जरूरी है बच्चे की शुगर सही मात्रा में रखना, बहुत ज़्यादा बहुत कम नहीं होनी चाहिए, हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा बहुत कम नहीं होनी, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, बुखार कंटिन्यू कंट्रोल करना होता है, बुखार को एकदम बहुत तेज़ या बहुत कम, हाइपोथर्मिया हाइपरथर्मिया नहीं होने देना होता है, बहुत ज़रूरी है। अगर हमें लग रहा है कोई साइन है कि दिमाग के अंदर प्रेशर बढ़ा हुआ है तो माइल्ड सा हेड एंड एलिवेशन करेंगे 15 डिग्री या 30 डिग्री तक। अगर सीजर हो रहा है, दौरे पड़ रहे हैं, तो दौरे कंट्रोल की दवा दी जाएगी। बच्चे का कॉन्शियसनेस अगर कम है तो इंट्यूबेट किया जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा एक्यूट डिसेमिनेटेड एनसेफेलोमाइलाइटिस जैसा लग रहा है कि बहुत तेज़ी से दिक्कत बढ़ रही है और सूजन दिमाग में बहुत ज़्यादा है, तो उसे कम करने के लिए सिर्फ उस समय स्टीरॉइड की भी मदद ली जा सकती है। तो ये डिसीजन उस समय ट्रीट करने वाले डॉक्टर के ऊपर रहता है कि आगे कैसा बेस्ट ट्रीटमेंट होगा। अगर ट्रीटमेंट सही वक्त पर दिया जाए तो कई बच्चे इसमें बच सकते हैं, लेकिन आगे की लाइफ के लिए भी आपको समझना है कि दिक्कत हो सकती है।
आगे के लिए फिजियोथेरेपी, पोस्चरल चेंजेस थेरेपी, बेड सोर प्रिवेंशन करना होगा और केराटाइटिस का भी आपको प्रिवेंशन करना होगा, कॉम्प्लिकेशन से बचना होगा। बच्चे एस्पिरेट कर सकते हैं बेहोशी में, इसलिए बच्चों को टेढ़ी पोजीशन में रखना होता है, एक तरफ टेढ़ा करके उनके गाल, एक हाथ गाल के नीचे रख के एक पैर मोड़ दिया जाता है टेढ़े, ताकि वो एस्पिरेट ना कर दें इस तरीके की पोजीशंस में, राइट। ये बहुत ज़रूरी होता है जिसमें उसको रखा जाता है बच्चों को, और एस्पिरेशन निमोनिया या नेजोकोमियल इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए हॉस्पिटल की क्लिनलीनेस सही से रखनी है। कई बार बहुत ज़्यादा बच्चे एक ही हॉस्पिटल में होने से और बहुत ज़्यादा लोग आ जाने से एक भी इंसान दूसरे किसी को कोई बीमारी हो, वो छींक दे खांस दे, तो सबको वो बीमारी फैल सकती है। इसलिए आपसे भी निवेदन है, डॉक्टरों को आईसीयू में अपना काम करने दीजिए, आपकी अगर ज़रूरत नहीं है वहाँ पे तो वहाँ पे ना रुकें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बीमारी बहुत सारे लोगों को ना फैल जाए, राइट। साइकोलॉजिकल सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बच्चों के माँ बाप को देना ज़रूरी है। इसमें डॉक्टर्स के साथ जो साइकोलॉजिस्ट टीम होती है, जो हॉस्पिटल होते हैं, उनका रोल बढ़ जाता है कि हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल की तरफ से ऐसे स्टाफ जो नॉन मेडिकल स्टाफ हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए जाए, डॉक्टर्स के साथ हेल्प करें, डॉक्टर्स बच्चों का इलाज करें और वो माँ बाप को समझाएं कि ये बीमारी क्या है और क्या हो रहा है उनके बच्चों के साथ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकदम प्रॉम्प्ट और इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट किया जाए, ताकि जितनी भी सर्विसेज हैं उस इलाके में उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही वक्त पे सही इलाज दिया जाए, और लेबॉरेटरी फैसिलिटीज़ हो, MRI फैसिलिटीज़ हो, CSF टेस्ट की फैसिलिटीज़ हो उन एरियाज़ में जहाँ पर ये एंडेमिकली पाए जाते हैं, जहाँ ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स के सही हो, ताकि हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स रखने की उम्मीद हो, रखा जा सके। ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम के वजह से ये हो रहा है, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लोगों को बताना है, आपको जो समझ आया वीडियो, चाहे वो ना देखें, आप उनको जो बता रहे हैं वो सही बात बताइए, तो इस नॉलेज को आगे शेयर करें। जो मेन कारण हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे मर रहे हैं, मॉर्टेलिटी का जो मेन कारण है वो ये नहीं है कि इलाज सही समय पे नहीं मिला या इलाज गलत दिया जा रहा है, यहाँ प्रॉब्लम है। आप काफ़ी सारे लोग बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं लंबे लंबे डिस्टेंस में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, अस्पतालों में ले जाने के लिए, जहाँ लाइनें लगी हैं, जब बच्चों की भीड़ है, जब बच्चों के लिए डॉक्टर कम है, उन जगहों पे ले जाना चाह रहे हैं आप कई लोग बच्चों को, लेकिन आप अपने लोकल हॉस्पिटल में नहीं दिखाते। वहाँ इतनी दूर ले जाने में जो समय बर्बाद होता है, उस समय की कीमत बहुत है यहाँ पर, क्योंकि सही वक्त पे सपोर्टिव ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को शुगर, बच्चों का हाइड्रेशन, बच्चों का फीवर और न्यूरोलॉजिकल जो हमने बताया, रिहैबिलिटेशन, जो स्टेबलाइजेशन, वो ज़रूरी है। स्टेबल करने के बाद, एक बार बच्चा स्टेबल हो जाए उसके बाद फिर भी ट्रैवल किया जा सकता है। इसकी गाइडलाइन नीचे मैंने लिंक दी हुई है, जो डॉक्टर्स लोकल एरिया में आपके, जो इवन पब्लिक हेल्थ PHC में, जो गाँव में PHC के डॉक्टर्स हैं, वो भी इसको स्टेबलाइजेशन करके आगे भेज सकते हैं। स्टेबल पेशेंट को ट्रैवल कराना सही है, लेकिन ऐसे ही ट्रैवल करना गलत हो जाता है, बच्चों की जान का खतरा होता है। इसीलिए बीमारी को समझे, फर्स्ट एड आपको वही लोकल हॉस्पिटल में लेना चाहिए, डॉक्टर्स के पास जाके, और वहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ती है दूर जाने की, तो स्टेबल करने के बाद बच्चे को वहाँ पे आप भेजें, बिना स्टेबल करे ना भेजें। ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा।